नमस्कार, मायोपचार में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको पीसीओडी की परेशानी है और मैं आपकी लाचारी समझती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपनी तरफ से इस बीमारी के लक्षणों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो दवाइयों के माध्यम से हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो खाने पीने के परहेज़ हो। बट फिर भी आज मैं आपको एक बात बताऊंगी कि पीसीओडी की जो परेशानी है वो जड़ से कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ये बीमारी जो है इसको सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर। पीसीओडी के जो लक्षण होते हैं, यानी कि आपके पीरियड्स इरेगुलर होना, चेहरे पे कील मुहासे आना, बाल गिरना या प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आना, ये सारे लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए आपको 3 चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। ये है दवाइयाँ, दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज और तीसरा आपकी जो डाइट है, यानी आपके खाने पीने में कुछ परहेज़। तो आज मैं आपको 7 हेल्थ टिप्स बताऊंगी जो आपको पीसीओडी की परेशानी से जूझने में या उसको हराने में मदद करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीसीओडी के लिए पहली हेल्थ टिप। पीसीओडी में जो महिलाएं और लड़कियां हैं उनकी सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है? उनकी शिकायत ये होती है कि मैं तो इतना खाती नहीं हूँ, मेरी डाइट इतनी हैवी नहीं है, फिर भी ना मेरा वज़न कम होता है और उल्टा मेरा वज़न बढ़ता ही जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये हॉर्मोन्स के कारण हो रहा है, आपकी डाइट के कारण नहीं हो रहा। तो आप क्या करती हैं? आप सोचती हैं कि मैं खाना पीना छोड़ दूँगी, मैं डाइटिंग करूँगी, मेरे हॉर्मोन्स ठीक हो जाएंगे, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। बट क्योंकि पीसीओडी जो है ये जीवन भर की परेशानी है, तो क्या आप जीवन भर डाइटिंग कर पाएंगे? तो मेरी ये सलाह है आपको कि आप हर चीज़ खाइए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप ध्यान से खाइए, सोच समझ के खाइए और हिसाब से खाइए। पीसीओडी के लिए दूसरी हेल्थ टिप। पीसीओडी की परेशानी में शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है और इंसुलिन हार्मोन से हमारे को भूख ज़्यादा लगती है। तो मेरी ये सलाह है कि आपको दिन में 3 बार की जगह दिन में 5 या 6 बार ही खाना खाना चाहिए। हाँ, खाने की जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए, यानी दिन में 5 या 6 बार ही आप थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो जो इंसुलिन हार्मोन की मात्रा है उसका बैलेंस बना रहेगा। और एक और बात है कि अगर आप सोचेंगे कि मैं नाश्ता नहीं खाऊंगी, तो जाहिर सी बात है कि जब तक दोपहर का समय आएगा आपकी भूख इतनी बढ़ चुकी होगी कि आप जो लंच में यानी दोपहर के खाने में बहुत ज़्यादा खा लेंगे और इस कारण दोपहर के 3 या 4 बजे आपकी इंसुलिन हार्मोन की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी और पीसीओडी का जो चक्रव्यूह है वो आपको फंसाता ही जाएगा। पीसीओडी की डाइट का तीसरा टिप। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप रात के 8 बजे तक अपना खाना ज़रूर खा लें। दूसरा, आपको शाम को 5:30 और 6 बजे के बीच में थोड़ा सा ज़रूर कुछ लेना है। आप ग्रीन टी ले सकती हैं, आप हल्दी की चाय ले सकती हैं और इसके साथ आप भुना चना ले, आप मखाने ले या 2 या 3 बादाम भी ले सकती हैं। कई बार हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो खाने से पहले या खाने के बाद फ्रूट ज़रूर खाते हैं। मेरी ये सलाह है कि खाने के आसपास फ्रूट यानी फल ना खाया जाए, थोड़ा समय के बाद यानी 2 घंटे के बाद ही आप फ्रूट खाएं, खाने के बिल्कुल बाद फ्रूट ना लें। दूसरा, आपको पानी की मात्रा जो है वो बढ़ा कर रखनी है। कोशिश करो कि हर घंटे में 1 गिलास पानी ज़रूर पी लीजिए, क्योंकि पीसीओडी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अगर हमारा पानी का इनटेक जो है वो ज़्यादा रहता है तो हम इस वाटर रिटेंशन से बच सकते हैं। पीसीओडी के लिए चौथी हेल्थ टिप। जब मेरे पास कोई पीसीओडी से परेशान महिला या लड़की आती हैं तो मैं उनको सबसे पहले क्या बोलती हूँ? मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि आपको मैदे से बनी हुई सारी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ना है। मैदे से बनी हुई चीज़ें क्या होती हैं? ये होती हैं पिज़्ज़ा, पास्ता, मैगी, नूडल्स, मोमोज, ये सभी आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। इसके अलावा आपको बेकरी आइटम्स भी नहीं लेने हैं। बेकरी आइटम्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं केक, पेस्ट्री या बिस्किट्स। हाँ, कभी किसी का बर्थडे हो गया या कोई त्यौहार हो गया, आपने कुछ केक या पेस्ट्री खा ली, उसमें मनाही नहीं है, बट लगातार जैसे अगर आप रोज़ या हर 2 दिन बाद खा रहे हैं तो वो बिल्कुल ना करिए। पीसीओडी के लिए 5वीं हेल्थ टिप। मैंने एक बात देखी है कि कई महिलाएं जो होती हैं वो दोपहर में भी सफ़ेद चावल खाती हैं, रात में भी चावल खाती हैं।
देखिए, चावल आप खा सकते हैं, बट मेरी ये सलाह है कि आप हफ्ते में 3 या 4 बारी ही सफ़ेद चावल लीजिए, इससे ज़्यादा आप मत लीजिए। इसके अलावा आपको चीज़ से बनी हुई कोई भी आइटम जो है उसको ज़्यादा नहीं खाना है, और सफ़ेद पोहा भी कम से कम लेना है। अभी तक मैंने आपको बताया कि आप खाने पीने की कौन सी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, और खाने पीने की कौन सी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं बट कम मात्रा में। इसके अलावा मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगी जो अगर आपको PCOD है तो आपके लिए अच्छी हैं। इससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल मायोपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। PCOD के लिए ये है 6ठी हेल्थ टिप। अगर आपको PCOD है तो आप हर तरह की सब्जी और सारे फल खा सकते हैं, आपको कोई भी परहेज़ नहीं है। इसके अलावा तो मेरी ये सलाह है कि आप गेहूं से बनी हुई रोटी लीजिए, आप बाजरे से बनी हुई रोटी भी आराम से खा सकते हैं, आप ब्राउन राइस का प्रयोग कर सकते हैं। ब्राउन राइस जो होता है वो आपके इंसुलिन लेवल को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता जितना आपका सफ़ेद चावल करता है। अगर आपको ब्रेड खाने का शौक है तो आप वाइट ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन ब्रेड या आटे से बनी हुई ब्रेड का प्रयोग कर सकते हैं। आप हर तरह की दाल खा सकते हैं, चाहे वो मूंग की दाल हो, चाहे वो चने हो, चाहे वो छोले हो, लोबिया हो। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और प्रोटीन खाने के बाद आपका पेट भी जल्दी भरता है और भूख भी कम लगती है। PCOD के लिए 7वीं टिप। अब मैं आपको 4 चीज़ें बताऊंगी जो PCOD में आपको मदद करेंगी। पहली चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर का 1 चम्मच अगर आप आधे ग्लास पानी में डालकर रोज़ लें तो ये आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा अलसी के बीज। अलसी के बीज के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अलसी के बीज को आप भून कर पीस कर भी खा सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी। दालचीनी का 1/2 चम्मच अगर आप या तो अपनी चाय में डाल लीजिए या पानी में डाल के भी आप ले सकते हैं। ये आपके PCOD को कंट्रोल करने में मदद करेगा। और 4थी चीज़ है मेथी के दाने। मेथी के दाने बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये वैसे भी आपके सेहत के लिए अच्छे हैं, तो अगर आप कुछ मेथी के दाने यानी 1/2 चम्मच या 1/4 चम्मच आप आधे ग्लास पानी में डालकर रात को रख दीजिए और सुबह पीजिए, या अगर आप सुबह रख कर रात को भी पीना चाहते हैं वो भी ठीक है। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको PCOD है तो बिल्कुल निराश मत होना। ये सारी जो मैंने हेल्थ टिप्स आपको बताई हैं, इनको अपने डाइट में शामिल रखिए, खुश रहिए। इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ हैं आपके डॉक्टर ने बताई हैं, उनको भी लेते रहिए। लगातार रोज़ 30 से 40 मिनट के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करिए। और मैंने ये भी देखा है कि योगा में कुछ ऐसे आसन हैं जो PCOD को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, उनको भी सीखिए और ज़रूर करिए। इसके अलावा रात को 6 से 8 घंटों की नींद पूरी लीजिए, और अपने दिमाग से सारा तनाव, सारी टेंशन दूर कर दीजिए। ये भी PCOD को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। आशा करती हूँ कि ये PCOD के ऊपर जो मैंने हेल्थ टिप्स इकट्ठी करके आपको बताई हैं, आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अपनी फ्रेंड्स जिनको PCOD है उनके साथ भी इसको WhatsApp पे शेयर करिए। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मायोपचार के डॉक्टर्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे।